दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी दिया करूँगी बीच बीच में, तो आज मैंने सारे वो कमेंट्स उठाए हैं जो एक हफ्ते के तीन दिन के अंदर अंदर मुझे आए हैं। तो जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव वालों को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मेरा सपोर्ट बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो कई बार कोई मुझे उल्टा फुल्टा भी बोलता तो नीचे से अपने आप सपोर्टर आ जाते हैं नीचे से कि हाँ ऐसा मत बोले ये वो, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और जहाँ तक रही कि मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, कमेंट में इसलिए नहीं करती क्योंकि एक कमेंट का करूँगी, दूसरे कमेंट का करूँगी, फिर ऐसा होता है कि यार इसके कमेंट का रिप्लाई किया और हमारे नहीं किया। तो मैं इसलिए क्यों नहीं ब्लॉग लेके आती हूँ, मतलब एक महीने में मैं क्यों नहीं ब्लॉग ले आती हूँ, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं वहाँ पर आपके जवाब दे सकूँ। फिर भी जितने में से हो पाते हैं मैं खुद ट्राई करती हूँ कि हाँ आपसे बात कर पाऊँ और आपके जवाब दे सकूँ। तो आज मैंने वैसे ही किया है कि मैंने कॉपी में लिखे हुए हैं उनके क्वेश्चन, जो लोग मेरे से जितनी शिकायतें हैं लोगों को या कुछ भी मेरे ब्लॉग में जो भी इशू है, तो मैं उनके जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती यार कि आपको भी मेरे ब्लॉग देखने में कोई परेशानी हो। ठीक है, अगर जिसको पसंद आ रहा तो ठीक है, जिसको नहीं आ रहे तो कोई, मैं किसी को ऐसे नहीं बोलती कि ज़बरदस्ती मेरे ब्लॉग देखो या ऐसा कुछ नहीं है। आपका मन है तो देखो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी नहीं है कोई दिक्कत ज़बरदस्ती, मतलब किसी को मैं फोर्स नहीं करूँगी एकदम से कि तुम देखो ही देखो। सबकी अपनी अपनी पसंद, अपनी अपनी चॉइस है, तो किसी को ऐसा भी नहीं बोल सकते ना तुम देखो ही देखो, तुम मत ही देखो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पसंद आ रहे तो देखो, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, और मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं था इसलिए आज मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहले सौरभ जी, थोड़ा सुधर जाओ यूके वालों, क्या हर जगह कैमरा लेके चले जाते हो, इंजेक्शन लगाते टाइम भी। तो ये शायद परसों वाले ब्लॉग में आया था ये कमेंट कि सुधर जाओ, हमने क्या उल्टे काम कर रहे हैं, हम नॉर्मल, हमारा जिस चीज़ से घर चलता है हम नॉर्मल, हमारी लाइफ ही ऐसी है कि हमें हर चीज़ शूट करनी पड़ती है जब हम ब्लॉग बना रहे हैं। तो डेली ब्लॉग का मतलब ये होता है कि जो हमारे डेली रूटीन में हो रहा है वो हम आप तक पहुँचाएँ कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें सुधर जाओ वाली बात मुझे समझ नहीं आई कहाँ से और कहाँ पर हम गलत हैं, मुझे ये बात नहीं समझ आई, क्योंकि कैमरा ही पकड़ रखा है, अपना फ़ोन ही पकड़ रखा है, किसी का कुछ, किसी को कुछ फालतू नहीं बोल रहे, किसी को कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी इशू हो रहा है आपको, पता नहीं इसका। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं भी खुद, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम है, आपकी सोच है इतनी, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। प्रियंका, तारा दे आपकी वॉइस का कोई दूसरा बंदा यूज़ कर रहा है अपने ब्लॉग के इंट्रो दे रहा है? हाँ, मेरी फेक आईडी बहुत ज़्यादा बन रही है, अभी कुछ टाइम पहले ही एक सीन हुआ था मेरे साथ, मेरी फेक आईडी बना के कोई, मतलब तारा होल ब्लॉग से उसने खुद ही को वो किया, मैसेज किए और इंस्टाग्राम पे खुद ही को मैसेज किए, और पता नहीं क्या फेक करके, मुझे नहीं पता, ऐसे लिखा हुआ था कि पता नहीं कुछ था, गालियां गुलियां लिखी हुई थी आपस में ही। तो इन्होंने क्या किया, यूट्यूब पे डाल दिया वो कि मेरे नाम से कि मैंने गालियां दे रखी। मैं तो इंस्टा पे किसी से बात ही नहीं करती हूँ, गालियां देने की तो बहुत दूर तक बात है। और दूसरी बात ये कि आपको पता है कि मैं अपना अकाउंट खुद हैंडल नहीं करती, मेरा अकाउंट कोई और हैंडल करता है, तो उसमें कोई भी कमेंट्स होते हैं उसका रिप्लाई वही करते हैं, मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास सीरियसली आप देखते हो कि मैं घर में पूरे दिन भर में बिजी रहती हूँ, अपने काम लगी रहती हूँ, तो मेरे पास नहीं होता सीरियसली इतना टाइम कि मैं एक 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 रिप्लाई कर पाऊँ। तो इसलिए मैं इंस्टा पर, मेरा यही सीन है कि इंस्टा पर मैं लाइव आ जाती हूँ इस करके कि किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर पुट करेगा, तो मैं उनके आंसर दे पाऊँगी वहाँ पर। और यूट्यूब का भी यही सीन है कि जब मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं अब बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे लोगों के, तो मैं क्यों नहीं ब्लॉग बना दूंगी उसमें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब लोग खुद ही का फेक अकाउंट बना के खुद ही मेरे को मैसेज कर रहे, खुद ही यूट्यूब पे डाल रहे कि तारा ने ऐसा बोला ऐसा बोला। और इसके चक्कर में पता क्या हो रहा था, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, तो मैंने कहा किस चीज़ का सॉरी बोलूँ, मैं जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं सॉरी किस चीज़ की बोलूँ। अगर मुझे तब जाके पता चला जब ऐसे कमेंट आने लगे ना कि तारा आपको सॉरी तो बोलना पड़ेगा, आपने ये किया वो किया, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं पहले बता चुकी हूँ। जब तक कोई लोग, मैं किसी को फालतू बोलती नहीं हूँ, जब तक कोई मेरे को फालतू, मतलब ऐसे हमें क्या शौक पड़ा यार किसी के अकाउंट में जाके स्पेशल उसको गाली देने का या कुछ। और उस बंदी के कम से कम 1000 फॉलोवर्स रहे होंगे कुछ ऐसे थे, तो मुझे इतना शौक नहीं है कि मैं उसके आईडी के अंदर जाऊं, 1000 भी कहाँ थे। और सबसे बड़ी बात, आजकल लोग पता क्या कर रहे हैं, जब मुझे उल्टा फुल्टा कमेंट करना होता है या कुछ भी मैसेज वगैरह करने होते हैं, तो क्या कर रहे हैं, फेक आईडी बना रहे हैं, या तो अपने नॉर्मल आईडी से बात करें, तो नॉर्मल आईडी से तो पता चल जाता है कि चल बंदे से बात करनी है हमें, इसने ऐसे बोला उसको ये प्रॉब्लम है तो बता दें, फिर उसके बाद फेक आईडी बना के उसके बाद गालियां गुलियां देकर उसके बाद ब्लॉक कर दे रहे। वाह, अनु उत्तराखंडी, नौटंकी बाज हर जगह नौटंकी शुरू हो जाती है। मैं पहले भी ये चीज़ मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं जैसी हूँ मैं ऐसी ही हूँ ब्लॉग में, ऐसा कुछ नहीं। स्टार्टिंग से अगर आप मेरे ब्लॉग देखते आ रहे हो तो स्टार्टिंग से आपने देखा होगा कि मेरे अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जैसी हूँ वैसी ही हूँ। और अगर आपको नौटंकी लगता है या ऐसा कुछ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही कि मेरे ब्लॉग देखो, ज़बरदस्ती किसी को नहीं है कि आप आके ब्लॉग देखो। और
कम से कम अच्छे कमेंट नहीं कर सकते तो बेकार भी मत करो, और बेकार करनी है तो थोड़े ढंग के क्या करो, जो मतलब जो चीज़ हो, जो व्लॉग में हो, जो मैंने उल्टा फुल्टा बोला हो किसी को या कुछ मैंने ओवर एक्टिंग की हो, वहाँ पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो। लेकिन ऐसे आप मुझे बेमतलब कमेंट करोगे तो फिर मुझे बेकार लगेगा खुद को। निधि बिल्कुल आंटी लग रहे हो, ये आया था परसों वाले व्लॉग में जिसमें मैंने चश्मे डाले हुए थे शायद उसमें, कि आप बिल्कुल आंटी लग रहे हो। अब आंटी हो गए तो आंटी लगेंगे। और सेकंड चीज़ ये कि अब चश्मे कोई इंसान शौक के लिए नहीं डालता, मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं डालती ये शौक के लिए डालो, वो इतने बड़े बड़े चश्मे, मेरी नज़र कमज़ोर है तो इसलिए मैं वो यूज़ करती हूँ। तो बाकी अगर आपको ऐसा लगता है मैं आंटी हूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब आंटी होगी, शादी होगी, आंटी बनना है, अब क्या करना। और कुछ लोगों की सोच तो इतनी गंदी है, समझ नहीं आ रहा क्या नाम है इसका, रोशनी राहुल को गए हुए तो 5 मंथ हो गए हैं, और आप कह रहे हो कि आपकी प्रेगनेंसी को 7 मंथ हो गए। तो कहते हैं प्रेगनेंसी को 7 मंथ कैसे, नहीं तो मतलब इसमें यार समझ नहीं आ रहा। पहली बात तो ये कि मैंने ऐसे बोला मुझे 7th month चल रहा है, और जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि राहुल को गए हुए 5 मंथ कंप्लीट हो गए, हाँ मुझे पता है 5 मंथ कंप्लीट हो गए, लेकिन उससे पहले 2 महीने छुट्टी भी रुके थे वो, अगर आपको याद हो तो, उनको गिन के 7 मंथ ही होते हैं। मैंने ऐसे बोला कि 7 मंथ चल रहा है, ऐसे भी नहीं बोला कंप्लीट हुआ मेरा, तो थोड़ा बोलने से पहले सोचा करें। और कल परसों ऐसे इसी के नीचे एक कमेंट आया था कि बच्चा किसी और का तो नहीं है, तो कम से कम आप लोगों के अंदर दिमाग की कोई नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि हम बोल क्या रहे हैं, बोलने से पहले क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कमेंट का क्या होता है कि हम तक ही नहीं रहते उनके, वो कमेंट्स आते हैं ना तो हम ही नहीं देखते, हमारे अलावा बहुत सारे लोग देखते हैं, और बहुत सारे लोग खैर बाहर के लोग देखें उससे हमें कोई इशू नहीं है, बाहर के लोगों का तो काम है, किसी ने अच्छा बोला, किसी ने बेकार बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, तो वो तो उसके लिए हम अपना माइंड अच्छे से सेट करके बैठ रखें, क्योंकि 1 साल हो गया मुझे ब्लॉगिंग करते हुए, तो लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, किसी ने अच्छा बोला, किसी ने बुरा बोला, लेकिन अब माइंड ऐसा सेट हो गया कि हाँ नहीं उनको बोलने दो, घर वाले मेन है। तो लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है कि हमारे घर वाले भी देखते हैं हमारे कमेंट, तो थोड़ा सा लिखने से पहले सोचा करें, क्योंकि हमें तो पता है कि आप लोगों की सोच ही ऐसी है जो आप ऐसे फालतू बकवास कर रहे हो, लेकिन घर वालों को नहीं पता है ना तो उनको बुरा लग सकता है, तो थोड़ा सा ना लिखने से पहले या बोलने से पहले थोड़ा सोचा करें, या तो अपने दिमाग पर इतना जोर डाला करें कि हम लिख क्या रहे हैं या बोल क्या रहे हैं। श्वेता साला इन लोगों के कमेंट नहीं सॉरी इन लोगों के थंबनेल 2 कौड़ी के होते हैं, और तुम तो बच्ची लगती हो अभी से ये सब, तो यार जहाँ तक आपने की 2 कौड़ी के थंबनेल की बात, तो थंबनेल 2 कौड़ी के इसलिए क्योंकि हमारे अंदर इतना ही टैलेंट है, इसलिए हम इतने ही थंबनेल बना सकते हैं। अगर आपके अंदर भी इतना टैलेंट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको देंगे ये ऑफर कि आप हमारे थंबनेल बनाएं, और फ्री में नहीं बनवाएंगे, पैसे देंगे। और सेकेंड चीज़ है कि अभी तो तुम बच्ची लगती हो और अभी से ये सब, तो आप क्या कर सकते हैं, शकल से बच्ची लगती हो तो उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और नेक्स्ट की हमारे उत्तराखंड में इतनी जल्दी शादी हो जाती है, मतलब 22, 23, 24 यही एज होती है हमारे उत्तराखंड में शादी करने की, तो कर दी घर वालों ने, कर दी और मैंने भी कर ली, तो हम खुश हैं, तो आपको क्या इश्यू है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती फिर आप बोल सकते थे मुझे कोई इश्यू ही नहीं है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। तो खैर बात वही आ गई कि मतलब खुशी से ही चलते हैं लोग, खैर पर वही बात आ गई। और सबसे बड़ा चीज़ पता क्या है इसमें, पूरे क्वेश्चन में आधा से ज़्यादा पता है ऐसे कमेंट कौन करता है, लड़कियाँ, तो मतलब लड़कियों को ज़्यादा वो मची होती है ना दूसरों के लाइफ में घुसने की, कि हाँ ये क्या कर रहा है क्या कर रहा है। नॉर्मल डेली व्लॉग देखो, इन्जॉय करो अपना, और नहीं इन्जॉय हो रहा तो मत देखो, कोई इशू नहीं है, साफ और सीधी बात। और ये मत सोचना आप कि इसके अंदर ईगो आ गया, ये वो ऐसे बोल रहे, अब कोई ऐसा कमेंट करेगा डेली, 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन नहीं सहन होते यार, कोई ऐसे फालतू कमेंट करता है तो नहीं होता। कई बार ऐसा होता है तो मुझे समझाने के लिए अगर कुछ बोल रहे हो ठीक है वो बात नॉर्मल है, लेकिन कोई ऐसा उल्टा फुल्टा बोलेगा तो मेरे से भी नहीं सहन होगा, साफ और सीधी बात यार। नेक्स्ट है विजय, फालतू इधर उधर मत घुमा करो। ओके विजय जी, ओके आप ही तो मुझे इधर उधर घुमाते हो, ज़्यादा फालतू है ना, खैर छोड़ो। मिस रावत, जब आपको चीज़ों के बारे में पता है तो नौटंकी क्यों करती हो, कि मुझे नहीं पता। हाँ ये कमेंट्स में ढूंढ रही थी वाला, इसमें काफ़ी लोगों ने नीचे से कमेंट किया, ये ना परसों उसकी बात हुई थी, कढ़ाई जिससे मैंने सर धोया था, अगर किसी ने ब्लॉग देखा होगा तो क्या हुआ कि मैंने ऐसे बोला उसमें कि इसको कढ़ाई बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वैसे क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं वैसे, ये मतलब था कि गढ़वाली में तो मुझे पता है कढ़ाई बोलते हैं, लेकिन मुझे इस घास का नाम मुझे हिंदी में पता ही नहीं, जिसका नाम तो मैं क्यों बोलूँ यार। और कई चीज़ें हैं जिनका नाम मुझे गढ़वाली में नहीं पता, हिंदी में पता है, कहीं का ऐसे कि जिसको मुझे हिंदी में पता है तो गढ़वाली में नहीं पता, ऐसी मतलब उल्टे फुलटे चीज़ें हैं ठीक है। तो कढ़ाई मुझे पता ही नहीं कि उसको हिंदी में क्या बोलते, तो मैं ऐसे ही बोलूँगी, और
नौटंकी की बात अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों नहीं बताती यार। गाइस ये नॉर्मल सी कोई भी चीज़ होती है तो मैं बताती हूँ, ये अगर नहीं पता मुझे तो ऐसे ही बोलूँगी कि पता नहीं इसको कढ़ाई बोलते हैं। वैसे मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलने का मतलब ये था। लेकिन इस पर भी काफ़ी कमेंट आते हैं कि अगर आपको पता होती चीज़ें तो आप बताते क्यों ना। जिसका नाम मुझे पता होता मैं वो बता देती हूँ यार, और जिसका नाम नहीं पता होता तो मैं नहीं बताती हूँ। आपके कमरे में इतने मेडल कहाँ से हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी आता था इसलिए मैंने इसको ऐसे ही डाल दिया है। तो नेहा ने पूछा है कि आपके कमरे में इतने सारे मेडल कैसे हैं? अगर आप ब्लॉग में देखते हो तो पीछे मेडल मेडल टंके होते हैं, लेकिन जिसको नहीं पता है राहुल आर्मी में जाने से पहले क्रिकेट के शौकर थे, तो वो 11th 12th क्लास से मतलब क्रिकेट खेलने लग गए थे, और उसके बाद भी 12th पास करने के बाद भी 2 साल उन्होंने क्रिकेट वगैरह खेला, तो उसके मेडल हैं वो। बाद में थोड़ा सा फैमिली इशू आ गया था जिस चक्कर में वो मैच वगैरह क्रिकेट वगैरह में उसमें जा नहीं पाए, तो फैमिली कंडीशन की वजह से उनको आर्मी में ज्वाइन करना पड़ा, तो बस यही इशू है। और वो मेडल उनके ही हैं, राहुल के ही हैं। मतलब सोनाली नेगी, ड्रामा करने के अलावा कुछ नहीं आता तुम्हें? पता नहीं, मुझे नहीं पता, क्या पता मेरे अंदर यही टैलेंट हो कि मैं ड्रामा ज़्यादा करती हूँ। अगर आपको दिख रहा है तो हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, लेकिन मैं नॉर्मली नेचुरली मैं ऐसी ही हूँ। बंदा एक दिन कर सकता ड्रामा, 2 दिन कर सकता, पूरे 1 साल तक ड्रामा नहीं कर सकता। मुझे ब्लॉग स्टार्ट किए हुए पूरे 1 साल हो गया है, तो अगर आपको पूरे 1 साल में ऐसा लगा कि हाँ मैंने ड्रामा किया तो ठीक है, ड्रामा ही किया होगा मैंने। जो ये पीछे इनका हर उसमें आ जाता है, ब्लॉग में आ जाता है, मेरा कुछ ना कुछ कमेंट आ ही जाता है इनका। कुछ काम भी कर लिया कर, आजकल काम का कोई सीज़न नहीं है हमारे यहाँ पे, धान वगैरह ऐसा कुछ काम है नहीं, तो घर का ही काम होता है, तो घर पे तो मैं हुई और छोटा मोटा काम मैं फिर भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे सास ससुर मुझे खुद ही काम करने के लिए मना करते, जिस दिन वो बोलेंगे मुझे कि हाँ तो काम करो, उस दिन मैं कर लूँगी। और यहाँ तक मतलब मम्मी सारा काम तो मम्मी कर लेती है, मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती खैर, और वो बोलते भी नहीं है, लेकिन जितना मेरे से हो पाता है मैं ट्राई करती हूँ कि हाँ मैं कर पाऊँ। पर अगर आपको लगता है कि मैं कुछ काम नहीं करती तो नहीं करती हूँ भाई, आप ठीक हो। नेक्स्ट है कि कपड़े पहनने का सेंस नहीं है तुझे, थैंक यू सो मच। पर मैं घर पे ऐसे ही रहना पसंद करती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है कि मैं घर पे सिंपल से रहूँ जितना सिंपल हो सके, और मुझे ज़्यादा तैयार त्यार होके ऐसा रहना भी पसंद नहीं है। नॉर्मल मैं ऐसे क्या बोलते हैं कुर्ता और सलवार डालती हूँ नॉर्मली। अगर आपको ऐसा लगता है इन सब नॉर्मल चीज़ों से ऐसा लगता है कि जो मैं ढीली ढाली टी शर्ट डालती हूँ, कोई मतलब फैशन वाले कपड़े नहीं डालती, नॉर्मल डालती हूँ, जल्दी से बन के रहती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे में कपड़े पहनने का सेंस नहीं है तो नहीं है। जहाँ तक आपने देखा होगा बाहर, जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं बाहर नॉर्मल अच्छी बन के जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर हाँ मैं सूट ज़्यादा वेयर करती हूँ, और घर में रहने की बात ये है क्योंकि जिस चीज़ में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा मैं वही चीज़ पहनूंगी, चाहे वो पापा की टी शर्ट हो, चाहे वो राहुल की टी शर्ट हो, चाहे कन्नू की टी शर्ट हो, चाहे वो किसी की भी हो, लेकिन जिस चीज़ में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा तो मैं अपने हिसाब से पहनूंगी वो कपड़े, किसी के हिसाब से नहीं पहनूंगी कि हाँ दूसरे बंदे को कैसा लग रहा है या कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती। घर से बाहर निकलती तो फिर मैं तैयार होकर रहती। अब जैसे मैं चंडीगढ़ हूँ मान लो, अपने मायके जाती हूँ, जब उस टाइम पर देखा होगा आपने, उस टाइम पर तैयार होकर रहती हूँ क्योंकि बाहर लोग घूमते रहते हैं ये वो, लेकिन जब घर में किसी से कोई मतलब ही नहीं है तो क्या फ़ायदा मेरा तैयार होने का। और मुझे तैयार होना बिल्कुल पसंद भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है पसंद, क्योंकि मैं वो झालर झूलर झूलर जो भी है वो मुझे पसंद ही नहीं, मैं सिंपल ही रहना पसंद करती हूँ। और कुछ तो कंडीशन इस टाइम पर ऐसी भी है कि प्रेगनेंसी वजह से मुझे और ज़्यादा सादे कपड़े पहनने का मन कर, ढीले ढाले बिल्कुल। घर का कुछ काम नहीं करती है, कम से कम सुबह का नाश्ता तो बना सकती है। वही चीज़ है ना कि हमें किसी के अंदर कोई भी होता है ना, हमें किसी के अंदर अच्छाइयाँ बिल्कुल दिखती नहीं, बुराइयाँ बहुत जल्दी हम लोग नोटिस कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जब मैं ब्लॉग बना रही होती तो आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा कि सवेरे का नाश्ता मम्मी जी बनाते हैं, लेकिन रीज़न कभी किसी ने नहीं जाना होगा कि सवेरे का नाश्ता मम्मी जी क्यों बनाते हैं। सवेरे मैं लेट इसलिए उठती हूँ, लेट के यहाँ धूप बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाती, 6 बजे यहाँ धूप आ जाती है, ठीक है, तो मेरे से नहीं उठा जाता सवेरे। मैं पहले से ही मेरी आदत ही नहीं है कि मैं पहले कभी भी नहीं उठी, मैं 8 बजे से पहले कभी उठी नहीं लाइफ में। तो जब स्कूल के टाइम पे भी थी तब हमारा स्कूल के टाइम पे उठी होंगी उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद जब से कॉलेज मतलब तब से मैं 8 बजे के टाइम पे मैं उठी नहीं, उसके बाद जॉब चली गई, फिर उसके बाद ऐसे ही हुआ, मतलब टाइम ऐसे ही रहा कि 8 बजे से पहले उठने का टाइम कभी मिला ही नहीं। तो वो आदत मेरी बनी हुई ही नहीं है बिल्कुल भी कि 8 बजे से पहले मैं उठूँ, और फिर भी मैं यहाँ ससुराल में मैं 7 बजे से पहले उठ जाती हूँ। लेकिन पता क्या होता है कि यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्द, अभी भी टाइम पता कितना 8:30 हो रहे हैं और मम्मी जी और चले गए कब के, और हमने नाश्ता नाश्ता भी कर लिया, कम से कम 7 बजे हमने नाश्ता कर लिया होगा आज, लेकिन टाइम ऐसा लगता है कि जैसे बहुत टाइम हो गया। और मम्मी और आदत पड़ी हुई है सवेरे सवेरे उठ के नाश्ता वास्ता बनाने की, तो मम्मी क्या करती है पहले गौशाला का काम निपटाती है, फिर नाश्ता बनाने सीधा लग जाती है, जब तक मैं उठती हूँ इसलिए नाश्ता बन जाता है। और अगर कभी ऐसा होता है कि कंडीशन ऐसी होती है कि नहीं हो पाता तो फिर मैं ही बनाती हूँ नाश्ता, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। वैसे तो खैर यही रीज़न है।
और सबसे बड़ा सीन क्या है कि हमारे घर में ये नहीं होता कि बहू ने ही खाना बनाना है या सास ने ही खाना बनाना है, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है। जो जब उठ गया, जिसका मन कर गया। कई बार क्या होता है, दिन का भी देखते होंगे आप, दिन का खाना भी डेली मैं नहीं बनाती हूँ। कई बार क्या होता है, मम्मी का जैसे मम्मी आ गई जल्दी तो मम्मी बना देती है खाना। रात का भी ऐसा होता है, हम मिलके बनाते हैं। सवेरे का भी वैसे मम्मी हमेशा सवेरे, जब से मेरी शादी हुई मम्मी बना रही नाश्ता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार बनाती हूँ मैं सवेरे का, साफ सीधी बात, लेकिन दिन का बना लेती हूँ मैं। तो हमारे इसमें ऐसा नहीं है कि तूने ही बनाया, तूने ही बनाना। अगर ऐसे तूने बनाना पर रहता तो फिर शायद मैं ही बनाती, क्योंकि फिर मैं 7 बजे भी उठ रही थी तो नाश्ता जब मैंने ही बनाना था तो चाहे मैं 7 बजे उठूँ चाहे मैं 8 बजे उठूँ, मैंने ही बनाना था। लेकिन अभी ऐसे है कि मम्मी बना लेते हैं, मम्मी कर लेते हैं सारा काम, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मम्मी के दिमाग में ऐसा कुछ है भी नहीं कि उसी ने बनाना है ऐसा कुछ। ये आप लोगों की अलग थिंकिंग है, मेरी अलग थिंकिंग है, सबकी अलग अलग है, लेकिन हमारे घर में ऐसे ही सीन है भाई। रीता, पता नहीं इतनी जल्दी क्या थी प्रेगनेंसी की, अभी तो तू खुद ही बच्ची है। अब हो गया तो क्या कर सकते हैं उसमें, खुश हैं हम, खुश हैं हमारे घर वाले खुश हैं, तो आपको क्या इशू हो रहा है उसमें यार। बहुत खुश हैं हम, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम कि हाँ मेरे घर वाले बहुत इंजॉय कर रहे हैं कि उनकी बहू प्रेग्नेंट है। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मेरे पति भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। तो आपको क्या इशू हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, और पता नहीं यार। खैर ये कमेंट्स तो आते रहेंगे जब तक आप डिलीवरी नहीं होती। विजय, ऐसे घमंडी की वीडियो सिर्फ घमंडी लोगों को ही अच्छी लगती है, किसी का रिप्लाई नहीं करती है ये। तो इसका मैं जवाब दे चुकी हूँ कि मैं रिप्लाई मैं इसलिए नहीं करती हूँ, एक बंदे का रिप्लाई इसलिए नहीं करती हूँ मैं, ताकि पता क्या होता है कि फिर मैं एक का करूँगी तो दूसरा बंदा सोचता है इसने मेरा नहीं किया, ये वाला सीन हो जाता है उसमें। तो इसलिए मैंने आपको परसों वाले ब्लॉग में बोला, मुझे लगा कि हाँ मुझे रिप्लाई इसमें मेरी गलती है कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें कि मैं जब भी ब्लॉग बनाती हूँ तो लास्ट के एंड में मैं स्टार्टिंग के या जो भी मतलब मुझे ऐसा लगे कि मुझे कमेंट का रिप्लाई करना चाहिए तो मैं उनको रिप्लाई दिया करूँगी। ये बात भी आपकी ठीक है कि कमेंट का रिप्लाई नहीं करती मैं, इसमें मेरी गलती है। ये चीज़ आपने जो बोली ना ये मुझे समझ आई। तो ऐसे कमेंट्स आते ना जब, तो ये चीज़ें होती कि आदमी को फील होता है कि यार उसकी गलती क्या है। लेकिन कई कमेंट्स ऐसे होते हैं यार जिन पे आदमी को सोचने में ऐसे लग जाता है कि इसका रिप्लाई करूँ ना करूँ ना करूँ करूँ। और कई कमेंट्स तो ऐसे भी होते हैं कि उसके बाद ऐसा होता है यार कि वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ, पता नहीं समझ ही नहीं आता बिल्कुल भी। अभी कुछ टाइम पहले मेरी आईडी पे किसी ने रिपोर्ट की है लड़की ने, तो उसने क्या बोला कि मैंने उसको उल्टा फुल्टा बोला कुछ। अगर कोई मेरे को कमेंट्स करके कुछ उल्टा फुल्टा बोलेगा तो मैं उसको रिप्लाई दूंगी। और जहाँ तक मतलब थोड़ा यार बोलने से पहले भी लोग सोचते नहीं है, आपको पता ही कि आजकल के टाइम पे पता नहीं कैसी चीज़ें बोल देते हैं। और मेरी प्रेगनेंसी चल रही है तो इस टाइम पे क्या है, मैं जल्दी कैच कर रही हूँ माइंड में, मेरे दिमाग में बहुत जल्दी बातें बैठ रही हैं। मैं पहले ऐसे नहीं थी, मुझे किसी के कमेंट से कोई मतलब नहीं रहता था, लेकिन अब होने लग गया। अब मुझे थोड़े से बुरी लगने लग गई हैं बातें, सिचुएशन भी ऐसी हो गई है और मूड स्विंग मतलब इतनी जल्दी हो रहा है कि खुद को ही नहीं संभाला जा रहा। फिर जब उल्टे फुलटे कमेंट्स आ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा मतलब चुभ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे हैं कि हाँ कोई ऐसे कैसे बोल सकते हैं यार किसी को भी मतलब कमेंट, तो कभी किसी को कुछ बोला भी नहीं है। तो अब वो दिमाग में मतलब ऐसे बैठ रहे हैं कमेंट्स की। फिर रातों को क्या हो रहा है कि जब आदमी सोते हैं ना ऐसे, आजकल ऐसे कि मुझे आराम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको भी पता है इस टाइम पर। तो मैं जैसे ही सोने बैठती हूँ तो पता क्या होता है, मैं आँखें बंद करूँ तो मेरे दिमाग में वो कमेंट्स घूमने लग जाते हैं। या तो ऐसा हो कि मैं ऐसा भी नहीं कर सकती कि मैं कमेंट्स पढ़ूँ ना, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे लोग देखते हैं वीडियो, मेरी फैमिली है एक जो कि मुझे बताती है। कई चीज़ें अच्छी होती हैं, कई चीज़ें बुरी भी होती हैं, लेकिन कई बातें समझने वाली भी होती हैं। तो देखना ज़रूरी है कि कोई मतलब हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। फिर मेरे माइंड में ऐसे घूमती रहती हूँ बातें, ऐसे गोल 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 गोल। वैसे मैंने आज तक कभी ऐसे रिप्लाई नहीं किया ऐसे स्पेशल वीडियो बना के किसी का, लेकिन अब हो रहा है। अब मुझे बहुत बुरी लग रही बातें, मुझे नहीं पता क्यों बहुत अजीब लग रही मुझे यार। मतलब मैं जब अपने ब्लॉग्स बनाया करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती थी कि हाँ कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, अपनी बातें आप तक पहुँचा रही हूँ। लेकिन अब वही बातें मुझे बहुत अजीब लगने लगी कि यार मेरा खुद ही मन नहीं करता कई बार ब्लॉगिंग करने का। तो ये पता नहीं सिचुएशन नहीं हो रही, कंडीशन ही ऐसी है, पता नहीं क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। लेकिन बहुत अजीब है जो भी है, बहुत अजीब।